get some awareness from Indian Film Actors Association. सिनेमा निकालने से लेकर सिनेमा रिलीज करने तक भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है वेबसाइट में भी है www.ifmma.in। बॉब रोड क्या है कि गांव में दूर दराज तक के जो भी लोग हैं जिनमें बहुत अच्छा कुटुंब के टैलेंट भरा है, बहुत सारे टैलेंट है गांव गांव में, बट दे कांट कम टू मुंबई और कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी नहीं जा सकते और अपना टैलेंट शो कर सकते। तो वॉब रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत वो अपना प्रोफाइल अपलोड करेंगे, वीडियो ऑडियो जो कुछ भी है उनमें जो भी टैलेंट है वो वहीं से अपलोड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास और एक दूसरा एप्लीकेशन है, दैट इज रिक्रूटर, जो कि प्रोड्यूसर्स के पास में होगा। वो लोग उनको जिस प्रकार वो लोगों के पास में भी एप्लीकेशन होगा, वहाँ से वो लोग देखेंगे कि भाई कौन से बंदे में क्या टैलेंट है और जो उनको रिक्वायर्ड होगा वो वहाँ से लेकर वो अपने पिक्चर के लिए ले सकते हैं। मतलब वॉब्रो एप्लीकेशन जो है वो ए टू जेड प्रोवाइड करेगा पिक्चर बनाने के लिए, मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक। आई विश कि ये बहुत ही अच्छा जाएगा। सो माय नेम इज कपिल कानेकर एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ वॉब्रो, अ प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंट हायरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर। देन वी हैव माय फाउंडर मिस्टर नरेंद्र टोंगरे, हेलो, फ्रॉम द वॉब्रो। एंड देन टू स्टार्ट में हमारा इंडियन फिल्म एसोसिएशन मेकर्स एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन है। सो फ्रॉम देयर वी हैव कपिल एंड हमारे पास है रामचंद्र सर। Association mara sab se right now we are collaborating with Wobro. Thank you very much. My name is Ramchandra Reddy, Indian Film Makers General Secretary. We are collaborating with Wobro. Okay. Would you like to say something, sir? Indian Film Makers Association Karnataka president hai Dilip Kumar. And now sir, वाव ग्रो के बारे में हमने हैदराबाद में बहुत ही सुना है, and now हमने सुना है कि आप मुंबई में वाव ग्रो में हो, मुंबई है इंडियन मेकर्स एसोसिएशन हैदराबाद में। तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि मुंबई में किस तरह से करना चाहते हैं, हैदराबाद में क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ एसोसिएशन बनने वाला है? बेसिकली मैं एक छोटा सा केक दे देता हूँ। वाव ग्रो प्लेटफॉर्म है हमारा जिसमें हम लोग एक, जैसे मैंने बताया कि हम टैलेंट हायरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आर्टिस्ट एक्सपर्ट्स हो गए फिल्म इंडस्ट्री से लेके हम उनको कनेक्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स फिल्म मेकर से। सो हमारा मोटो ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म बने जिसमें दोनों आए, जिसको भी जैसे रिक्वायरमेंट है वो एक प्लेटफॉर्म में रिजॉल्व हो जाए इन डिजिटल फॉर्मेट में, टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल फॉर्मेट में। अदर देन दिस उसके बाद हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। अब जैसे आपको कोई मूवी शूट करनी है किसी भी लोकेशन में आपको करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले वहां जाके रेडी करते हैं, वहां पे आपको रेंट पे कुछ इक्विपमेंट्स लेना है, इधर या आप मुंबई से लेके जाओगे या तो फिर आप लोकली देखोगे। हम लोग प्लेटफॉर्म पे ये डाल रहे हैं कि आपको लोकली भी मिल जाए तो आपका वो टाइम भी बच जाए। सो उस प्लेटफॉर्म में ओवर एंड ऑल लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे वो रेंटिंग कैमरा हो या कुछ भी हो, चाहे स्पेस हो या स्टूडियो हो, उस प्लेटफॉर्म पे रहेगा। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? सर इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन है, जैसा कि हमने आपने देखा होगा कि मतलब इम्पाव का है, सर ऐसे एक एसोसिएशन है। बस ये हम एसोसिएशन में आर्टिस्ट कार्ड भी देते हैं, देन मैडा रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं, एजुकेशन का काम भी करते हैं। ये चीज ऐसे कि हम लोग टोटल डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं। एक अभी बोलते हैं कि मतलब नॉर्मल सेंसर से लेकर हर एक चीज टोटल डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, 5 इयर्स हो चुके हैं इसको एस्टैब्लिश होकर। महाराष्ट्र में अभी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से स्टार्ट भी हो रहे हैं। आपने सर मराठी फिल्म भी की है, जिस तरह से एसोसिएशन कितना हमारे जितने भी एक्टर हैं उनके लिए कितना प्रॉफिट होगा, एंड एसोसिएशन के बारे में जानना चाहेंगे सर? तुम्हारे से बढ़ते थे एसोसिएशन में। वुड यू लाइक टू से समथिंग दैट एसोसिएशन, हाउ आर यू एक्सपीरियंस विद द एसोसिएशन? सर देयर इज अ ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग विद कपिल सर, हैज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर आई हैव वर्क, एंड नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट इंडियन एसोसिएशन, and I hope he will handle Indian filmmakers in such a good way. Okay. And sir, मैंने जो सुना है कि digitally भी इसके बहुत ही growth करने वाले हैं आप लोग, digital इसके platform को और बढ़ावा देने वाले हैं, तो digital के माध्यम से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ procedure होगा? Celebrity online भी हमने सुना है कि वो आ सकते हैं, अपना procedure कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आप बता सकें।
सो बेसिकली जो हमारा कोलैबोरेशन है इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन के साथ, सो ये लोग जैसे ऑलरेडी इंडस्ट्री में है लास्ट फ्रॉम 5 ईयर्स, उनके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. सो बेसिकली हम वो डेटा हमारे प्लेटफॉर्म पे डिजिटाइज करेंगे एंड देन वो ऑब्वियसली वो रजिस्ट्रेशन है, दे हैव देयर रजिस्ट्रेशन, बट हम लोग उनको मिला के उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक वो देंगे सो दैट उनकी सारी प्रॉब्लम्स लाइक यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर और आपका टाइम कॉस्ट वो सारी चीज बचेंगे नॉट एंड नॉट इन मुंबई अक्रॉस द इंडिया. सर आप कुछ कहना चाहते हैं लाइक यू से समथिंग एसोसिएशन के बारे में? इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन उसमें बैनर रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन, टाइटल भी रजिस्टर कर सकते हैं फिल्म टाइटल अप्रूव फ्रॉम द CBFC सेंट्रल ब्यूरो फिल्म सर्टिफिकेशन. सो इसमें ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम इन इंडिया आपको बैनर टाइटल रजिस्टर कर सकते हैं. कर्नाटक में अभी 120 मूवीज कंप्लीट हो गया, 30-35 मूवीज रिलीज कूड़ा हो गया, सबसे कोई आ गया 10 मूवीज पर 10-15 पर आ गया कड़ा. ओके एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग कि हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा है कि साउथ के भी एक्टर एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सभी को हम देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, एक जगह पर आके अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं. रिसेंटली जिस तरह से साउथ की फिल्में बैक टू बैक हिट हो रही हैं, सो और क्या कुछ बढ़ावा मिलने वाला है आप लोगों को इस तरह से एंड क्या कुछ और क्या कुछ आप लोग साउथ के और कितने एक्टर को एसोसिएट करने वाले इस वाओब्रो एंड इंडियन फिल्म मेकर्स के एसोसिएशन? जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोलैबोरेशन है, ये ऑलरेडी इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है साउथ में एंड हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे मिडिल एरिया में एंड नॉर्थ में. सो हम जब जब आपका मिडिल इंडिया एंड जब साउथ का जब कोलैबोरेशन होगा सो ऑब्वियसली साउथ को यहाँ पे भी चांसेस मिलेंगे यहाँ के जो है एक्टर्स या फिर एक्सपर्ट्स या फिर जो भी हैं वो उनको वहाँ पे भी चांस मिलेगा. सो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म सारे इंडस्ट्री को कवर कर रहा है, नॉट ओनली बॉलीवुड मे बी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो जो लैंग्वेज यहाँ पे आती है. मराठी में आपने देखा होगा कि बहुत से मूवीज होते हैं कि जो बना तो देते हैं बट उनको रिलीजिंग को प्रॉब्लम्स होती है, तो वॉब्रो और इंडियन फिल्म एसोसिएशन उनको हेल्प करेगी उनको रिलीजिंग करने में. अगर इनकेस कुछ मूवीज ऐसे है जिन्होंने मतलब हाफ शूट कर दिया है उनका पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है उसमें भी हम लोग उनको हेल्प करेंगे ईच एंड एवरी वे. सर आपको कुछ बताना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में, वॉब्रो के बारे में? सर ये इंडियन फिल्म एसोसिएशन केरला के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर एम ए मुमिगट्टी और नवकर्नाटक चलचित्र अकादमी का भी प्रेसिडेंट हूँ. तो अभी हम लोग जो IMA से जुड़े हुए हैं तो हमारा मेन मकसद ये है कि कर्नाटका जो साउथ इंडिया में जो हमारा कर्नाटका है वहाँ पे ऐसे फिल्मों को जो अभी सर ने बनाए कभी जो इनकम्प्लीट में वो कम्प्लीट बनाए सेंसर जिसे नहीं मिला है सेंसर लेकर आए उनको एक प्लेटफॉर्म में लेके आए जहाँ पे सभी चीज़ें उसमें मिलेंगी. हमारा इतना अच्छा कंप्यूटर हमारे डीजे ने दिलीप जी से मिलकर वेबसाइट बनाया हुआ है, आप वेबसाइट में देखेंगे तो आप हर चीज़ उसमें वहाँ पे बहुत स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. फिल्मी कार्ड यानी जो आर्टिस्ट कार्ड बनता है बहुत चीज़ की प्रॉब्लम आर्टिस्ट कार्ड का रहता है, जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स मिलते हैं लेकिन उनके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं रहता है, तो हम लोग आर्टिस्ट कार्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले सके. तो इस तरह से अभी जो मुंबई में कपिल जी के वो लीडरशिप में होने जा रहा है, कपिल जी भी बहुत अच्छे इसके बारे में जानने वाले हैं. हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी जैसा आपने बोला कि साउथ की मूवीज हिट हो रहे हैं, जब मैं वही सर से बता रहा था जितने भी मूवीज हो रहे हैं 50% प्लस फिल्म तो प्रॉफिट में ही है और 40% नुकसान नहीं बोल सकते मैनेजेबल इस तरह से है. तो ये एक अच्छा टाइम है जो आफ्टर लॉकडाउन हमारे लोगों का ये साउथ मूवीज का डेवलपमेंट इसी तरह कपिल जी से बोले बॉलीवुड की भी मिलकर जब हम लोग सब मिलकर टीम वर्क करेंगे तो सभी करेंगे अच्छा रहेगा. सर आप कुछ बताना चाहेंगे? यस मास्टर, मैं इनको डिजिटली प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के दे सकता हूँ करवाऊंगा. मैं एक्चुअली हेड ऑफ ऑपरेशन टू द बैंक रिसर्च एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड UK बेस्ड कंपनी, सर डेटा बेस्ड कंपनी. हर कंपनी को किसी भी इंडस्ट्रीज को एक डेटा की जरूरत होती है बहुत बड़ी. कोई भी चीज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जितने ज्यादा लोग उनके पास पहुंचेंगे डेटा पे जाएगी
तब लोगों को वाव के बारे में और ये फिल्म मेकर्स एसोसिएशन जो अलग अलग राज्यों से आए हैं ये क्या सपोर्ट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को, तो उसके लिए मेरे पास प्लेटफॉर्म है और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा एक कोलेबरेशन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड वॉब्रो का। सो मैं इन लोगों को विश करना चाहूँगा आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सर। और थैंक्स आप लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ पे आए और वॉब्रो और इंडियन फिल्म मेकर इंडस्ट्री और ये जो सारे साथी यहाँ पे अलग अलग राज्यों से जमा हुए हैं इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना है आपकी बात को रखना है तो मीडिया से अच्छा माध्यम कोई नहीं। सो आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ आकर ये सारी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों तक प्रॉपरली पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन वो प्रोड्यूसर्स रहते ना सर, वो प्रोड्यूसर्स को ओयो उबर वाला उसमें से भी चैनल कनेक्टेड है। सो कैसे होगा, एक प्रोड्यूसर रजिस्टर होगा उसको ओयो कूपन्स मिलेगा, किधर भी स्टे कर सकते प्रोड्यूसर उसका क्रू एंड कैस्ट होगा। सो उसके बाद में वो आउट स्टेशन में गया कोई प्रोड्यूसर उसको ऊबर का कूपन भी मिलेगा। हाँ ऊबर का आउटस्टेशन का 65% डिस्काउंट से अभी नेक्स्ट प्रेस मीट है अभी बहुत बड़ा है ऊबर का साथ। सो ऐसा पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं पूरा ये इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन विद कॉर्पोरेट पन्नाल। सो इंश्योरेंस वो सब हो जाए नेक्स्ट मीट में सब बन रहे। कोलैबोरेशन का पर्पस यही कि थोड़ा अनऑर्गेनाइज रहिए अभी थोड़ा, हम सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज इसे बना रहे हैं विद द कोलैबोरेशन। हर पूरा सिस्टमैटिक वे चलेगा फिल्म मेकर्स के लिए आर्टिस्ट के लिए। सो प्लेटफॉर्म कोई भी सेलिब्रिटी कहीं से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है, बिल्कुल ऑनबोर्ड होगा अपनी डिटेल्स डालेगा एंड जैसे रिक्वायरमेंट आएगी एज पर जो हमारी टीम होगी डाली डिटेल्स करके फिर देन उनको कनेक्ट कर पाएगी। और बेसिकली सबसे मेन चीज़ क्या है कि इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन जो होगा वहाँ पे जो भी बंदा रजिस्टर्ड करेगा भले वो आर्टिस्ट होगा टेक्नीशियन होगा या प्रोड्यूसर होगा तो वो लोग हम लोग क्या करेंगे जब वॉबो से ट्राई अप है तो वॉबो जो रहेगा फॉर एग्जाम्पल एक नया आर्टिस्ट है उसको मतलब कुछ करना है हम लोग उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन ने वॉबो उसको 3 ऑडिशन में प्लेटफॉर्म देंगे मतलब उनको ऑडिशन पर भेजेगा 3 ऑडिशन में वो लोग जाएंगे उनका सब जो कुछ रहेगा वो फिर वो वॉबो उनको मैनेज करेगा जैसा हमारा प्लान है। जो मेरे को इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन में जय चित्र का अवकाश दिया लेकिन सर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस सिनेमा करना ईजी है सर लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है सर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से बोल रहा हूँ इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन के पास आ जाए तो आपको सिनेमा बनने से लेकर रिलीज करने तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब 7 साल से बना रहा हूँ सिनेमा में 7 साल से दो सिनेमा बना 7 साल लग गया लेकिन रिलीज करना बहुत 1 ईयर ट्राई कर रहा हूँ रिलीज का बहुत तकलीफ हो गया तो इनके पास आगे मिला नहीं इनके जो भी इनके जो लक्ष्य बहुत अच्छे है इसलिए मेरे को अवकाश दिया सर काम करने के लिए इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन के लिए बोल दो साथ मेरे को जान से अवकाश दिए अब वाव से मिल रहा है उसे बड़ा बढ़िया होगा सर। आपको मीडिया का सपोर्ट तो हम ज्यादा होना है सर प्लीज सपोर्ट सिनेमा के पास सर एक सिनेमा का 50,000